एक राजा के राजकुमार थे, उन्होंने जब संतों का समागम किया तो उनको वैराग्य हो गया और वो विरक्त हो गए। अब जब पूर्ण यौवन अवस्था आई तो नशा चढ़ा भोगों का, तो एक दिन वो जंगल में एकांत में भजन में बैठे थे तो देखा एक राजा का पूरा परिकर आया, खान पान हंसी खेल नृत्य विलास सब देख के लगा ये यार मतलब राजकुमार तो हम भी थे, मिला कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक संपूर्ण वासनाएं नष्ट नहीं हो जाती तब तक चिदानंद रस का अनुभव नहीं होता। अच्छा ये ऐसी यात्रा है कि आपको पता भी नहीं चलेगी कि हमारी यात्रा हो रही, जैसे लिफ्ट में बैठे तो चलते समय तो एक धक्का लगा, इसके बाद फ्लोर पे फ्लोर क्लास होते चले पता नहीं चलता, वो अगर नंबर लावे तो पता नहीं चलेगा, और जहां हमें जाना फिर वहां धक्का लगा तब लगा, ऐसे ही यात्रा है, यात्रा प्रतिपल हो रही है। एकादशी स्कंद में महापुरुष जो नवयोगेश्वर उन्होंने बताया जैसे एक कवल पाओ तो भूख कम हुई उतनी एक कवल जैसी, लेकिन अनुभव में तब आएगी जब आधा पेट जाएगा तब लगे आहा ऐसा, एक एक भजन आपको संसार से मुक्त कर रहा है, आपको प्रभु के चरणों का ज्ञान दे रहा है, आपको अपने स्वरूप का बोध करा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। आप जो भजन करें आपकी वासनाओं का नाश कर रहा है। अब वो वासना उनके हृदय में जागृत हुई कि राज सुख को छोड़कर भगवत मार्ग में लग तो गए लेकिन है देखो कितना आनंद, सुंदर सुंदर नव युवतियां नृत्य कर रही है, वो राज सिंहासन पे बैठा है और जय जयकार हो रही खान, उनको लगा कि है। अब ये वासना अंदर थी उस शरीर पूरा हो गया। भजन कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होता। अब इनका जन्म हुआ, इनके बड़े भाई जो थे कोल्ह जी, वो बड़े वैरागी बड़े भगवत भक्त। देखो वासना और उपासना दोनों का रंग देखो, उपासना के परिणाम से ऐसे वीतराग भगवत अनुरागी भाई मिला कोल्ह जी, जन्म से ही वैराग्यवान, भजन परायण तीर्थयाटन संत समागम, और ये जिस वासना के कारण इनका साधन रुका तो ये जन्म से ही रजोगुणी, पर वो भजन का प्रभाव इतना कि भजन करने वालों को बहुत आदर करते और अपने भाई को तो साक्षात भगवान मानते, क्योंकि उनका आचरण देखते ना भजन करता है, आचरण से इतने प्रभावित थे अपने भाई के कि अगर वो हुक्म कर दे तो प्राण छोड़ दे, इतनी निष्ठा, साक्षात भगवान मानते अपने भाई को। पर ये वही सब करते जो राजा महाराजा करते, उनका धीरे से जब सयाने हुए तो एक राजा से मित्रता हो गई, क्योंकि भगवान वासना को पूर्ण कराते हैं। अगर जो वासना है विभीषण जी भगवान की शरण में आए, वो तो भगवान ने पहला काम किया समुद्र का जल लेकर के उनको लंकाधिपति बुलाया, वो कह रहे नहीं अब तो अपनी अनपायनी भक्ति दे दो, भगवान कह रहे नहीं नहीं आपके हृदय में थी, बोले हाँ थी, उरकच प्रथम वासना रही, वो थी पहले बह गई, बोले नहीं पहले थी वाली ले लो फिर आप बाद वाली ले लो। तो अब भक्ति का प्रभाव कि उनको ऐसा भाई मिला, लेकिन उस वासना का प्रभाव राजा से मित्रता हो गई और वही सब खान पान जैसा राजा लोग करते, वही सब रजोगुणी वैसे ही सब। हृदय में बड़ा दुख हुआ बड़े भाई कोल्ह जी को कि हमारा जो अल्लह जी भाई है ये इतना सुंदर गा लेता है, इतना सुंदर विवेकवान लेकिन रजोगुणी प्रवृत्ति से युक्त है, तो एक दिन का देखो भाई शरीर बड़ा नाशवान है, कभी कुछ भी हो सकता है, आप एक बार हमारे साथ चलो द्वारिकाधीश के दर्शन करने। तो वो इतनी श्रद्धा रखते थे कि आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते, तत्काल चल दिए, और खाते पीते थे साफ करते थे जो राजा लोग करते हैं। ठाकुर जी के सामने गए तो कोल्ह जी तो भगवत भक्त ही थे, सुंदर पद गायन किया और अल्लाह जी से कहा तुम भी पद सुनाओ, तो बड़े संकोच में थे कि हम तो राजाओं के दरबार में बैठने वाले वैश्याओं का नृत्य देखने वाले कभी भगवत गुणगान तो किया नहीं, पर गला बहुत अच्छा था क्योंकि पूर्व संस्कार थे। बड़े भाई ने कहा सुनाओ ना, सकुचाया थोड़ी जाता है, ठाकुर जी साक्षात बैठे सुनाओ, उन्होंने सुनाया, जे ही पद सुनाया तो मंदिर से हुआ वाह वाह वाह, आश्चर्यचकित हो गए, ठाकुर जी का श्री विग्रह द्वारिकाधीश वहां से निकलने लगा वाह वाह वाह, और ठाकुर जी ने पुजारी को आदेश किया ये माला लो ये प्रसाद लो और अल्लाह जी को माला पहनाओ और प्रसाद दो जाके। अब उनके बड़े भ्राता जो वीतराग थे परम अनुरागी थे आगे खड़े थे,
तो पुजारी गया, बोले अल्लाह जी कौन है, ये माला ठाकुर जी ने दिया, प्रसाद दिया है। वो तो नाम भूल गए होगे, अल्लाह जी ने कहा नहीं नाम भूल गए होगे, मैं तो विषयी जीव हूं, मेरे भैया जन्म से वैरागी और भगवत अनुरागी, कौन जी बोला होगा। बोले नहीं अल्लाह जी बोला है, ठाकुर जी ने अल्लाह जी बोला। बोले नहीं आपको भ्रम होगा, मैं तो बहुत नीच विषय। बोले नहीं, और जबरदस्ती ठाकुर जी का माला और प्रसादी वो अल्लाह जी को दे दिया। अब जन्म से भगवत मार्ग में लगे, लेकिन ये नहीं सह पाए, लाए वही थे ठाकुर जी की ये बात नहीं सह पाए, जीवन हो गया माला जपते हुए और पद सुनाया, इन्हीं के लिए जीवन है, एक फूल भी हमें नहीं भेजा, और सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए, आज हम लाए हैं लिवा के और पद सुनवा रहे, तो पत्तल भर के प्रसाद और माला और कह के कि उसी को पहनाओ, नहीं जीना नहीं जीना। वहां से सीधे गए और समुद्र में छलांग लगा दी आत्महत्या के लिए। ये मान सम्मान ईर्ष्या बहुत कठिन है, इसीलिए महापुरुषों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। अच्छा वो भगवत अनुरागी महात्मा थे, अब आ गई ईर्ष्या, भगवान की बड़ी विचित्र लीला, कूद गए समुद्र में। जे भी समुद्र में कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद उनको दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। अब जो हृदय की जलन थी शीतलता में बदली जब द्वारिकापुरी के दिव्य दर्शन हुए, ठाकुर जी ने कहा आओ आओ कोल्हे जी को बैठा ला और प्रसाद पाओ। प्रसाद मंगाया, एक पत्तल उनके लिए और एक पत्तल अलग लगवाई। बड़ा हृदय शीतल हुआ था कि ठाकुर जी बहुत प्यार दिए। पूछा ये दूसरी पत्तल, बोले अल्लाह जी की, फिर वो ऐसे ही जल गया। यहां भी भाई अच्छा नहीं लग रहा प्रसाद पाना, ठाकुर जी का दुलार, ठाकुर जी का पुचकारना, ठाकुर जी का साक्षात दर्शन चुभ रहा है, यहां भी अल्लाह। ठाकुर जी ने कहा पालो पालो प्रसाद पालो, मानो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या, इतना नीच आचरण करने वाला और आप जो इतना प्यार उसके लिए दिखा रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उनका पहली बात तो ये है कि तुम आज से भजन शुरू किए हो, वो पूर्व का भजनानंदी है, केवल उसके अंदर रजोगुणी वासना आ गई थी, उस वासना को केवल मैं भोगवा रहा हूं, लेकिन वो पहले का भजनानंदी। और दूसरी खास बात कि वो आपको साक्षात भगवान मानता है, जिस दिन से तुम समुद्र में कूदे बिना पानी पिए आज भी वो हाथ जोड़े वैसे ही खड़ा है, अपने प्राण त्याग सकता है लेकिन वो बिना आपको देखे अलग नहीं हो सकता। और जानते हो जो मेरे भक्त को साक्षात मेरा स्वरूप मानता है वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। हम प्रधान बात उसमें इस बात में रीझे कि वो कैसा भी आचरण करता हो लेकिन तुम मेरे भक्त हो, वो तुम्हें भगवान की तरह मानता है, इसलिए मेरे प्रधान भक्त का जो भजन करता है वो मेरे प्रधान आदर का कारण होता है। और तुम आज भजन कर रहे हो पूर्व जन्म का भजन आनंदी, एक वासना आ गई थी, अब तो आनंदित होकर के प्रसाद लेकर अपने। अब भाई को जब ये पता चला कि द्वारिकाधीश ने दिव्य द्वारिकापुरी का प्रसाद भेजा है, बस उसी समय से वो वासना नष्ट हुई। जे ही प्रसाद मुख में रखा पूर्व भजन जागृत हुआ, भजन में निमग्न हो गए।